तू फेल हो गई है शिखा, यू हैव फेल्ड। नया साल, नई शुरुआत। टू हेल विथ नई शुरुआत। क्या हुआ? What happened, Shikha? क्या हुआ? क्या ये सच है? क्या? वही जो मैंने सुना। क्या सुना तूने? यही कि आपको अपना प्रिंस चार्मिंग मिल गया, बताया भी नहीं। कांग्रेचुलेशंस दी। थैंक यू। बट अब ना तू अपने बारे में भी सोच। कम ऑन मैक्स, आपको तो पता ही है मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। ये प्यार, लव, इश्क, मोहब्बत कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता, क्योंकि तूने कभी ट्राई नहीं किया और ट्राई करना भी नहीं है। देख, ऑल आई वांट कि यू फाइंड समवन एट लीस्ट। लाइक डेट करना तो चालू कर, और फिर डेट करते करते ये लव, इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये सब अगर समझ आ जाए ना, फिर मुझे थैंक्स मत बोलियो। हाँ। आपको पता है मेरी ना छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? मुझे नॉर्मल लड़के पसंद ही नहीं आते। अच्छा, मुझे थोड़े बियर्ड से दिमाग से हिल भी टाइप के लड़के पसंद आते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सारे लड़के दिमाग से हिले हुए तो होते हैं। तो तू न्यू ईयर्स ईव पे राधिका को डेट पे लेके जा रहा है ना? नहीं यार, मैंने उसे बोल दिया है। इवन आई डोंट नीड यू, तू मेरे टाइप की नहीं है। पिछले हफ्ते तो तू बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा था। बस अब मूड बदल गया। यार न्यूडे यार, बड़े लोग इसे एटीट्यूड नहीं, खट्टे अंगूर कहते हैं। सागरी प्लीज यार, डोंट पुट माय लेग्स। ओ गॉड, तो इस बार भी अकेला जाएगा। हां यार, लुक हुज़ हियर, लेट्स हैव सम फन। चल सकता क्या? What are you daydreaming about? Hello, मैं इधर हूँ। बात कर रही हूँ मैं तुमसे। अरे किसी भी लड़की को धक्का मार देते हैं यार, तेरे को शर्म नहीं आती? Please sorry at least. Sorry. Ah, that was so sweet. फिर से बोल दे यार। अच्छा सुन, ये बता मेरे साथ न्यू ईयर ईव पे डेट पे चलेगा? तू भी सो शाय यार, जवाब तो दे दे यार। अच्छा ये तो बता, डेट पे टेक्स्ट करेगा या चैट? रहने दे ना, वियर्डो। क्यों तंग कर रही हो उसे? कौन है? विकी मल्होत्रा। देखो पता है, जब ये कॉलेज में आया था ना, तो कॉलेज की सारी बंदियां इसकी दीवानी। मैं भी बट सारा दिन इंटरनेट में रहता है, टेक्सटिंग, चैटिंग। 50 तो इसने अपनी अनोनिमस आईडीज बना रखी है। रियल वर्ल्ड में नो इंटरेक्शन एट ऑल। तो हो सकता है कि उसे कोई प्रॉब्लम हो, यू नो, सम मेजर वन। ओह, तो तू सॉल्व कर देना उसकी मेजर प्रॉब्लम। एज इट इज, तुझे एक नया फ्रेंड मिल जाएगा और न्यू ईयर्स के लिए न्यू डेट। या राइट, एज इट इज, लुकिंग फॉर। चलो वाला, इंटरनेट ने हमारी दुनिया को है ना इतना सा बना दिया, दिस मोर। अब हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना, दे जस्ट वन क्लिक अवे। यू नो, ये इंटरनेट जो है ना, हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन ना विकी,
विकी ने तो जैसे इंटरनेट को अपनी दुनिया बना लिया, वो अपने वर्चुअल वर्ल्ड को और रियल वर्ल्ड को अलग अलग नहीं रख पा रहा था। उसने खुद को रियल वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था। और दूसरी तरफ थी शिखा। शिखा वो जिसके लिए हर काम एक प्रोजेक्ट, और उसका सबसे लेटेस्ट काम था प्रोजेक्ट विकी। वो इस प्रोजेक्ट विकी में कितनी कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास, ये है आशिकी, को प्रेजेंटेड बाय वाइल्ड स्टोन एंड पावर्ड बाय कार्बन स्पॉट। इतनी देर हो गई यार, अभी तक क्यों नहीं आया है? वो पूरा कॉलेज खाली हो गया है, अभी शो आएगा। हाँ यार, वो यहीं पे बैठा रहता है सारा दिन कॉम्प लैब में। वेट कर। ओ आ गया, आ गया, आ गया। ओके, ऑल द बेस्ट। जाओ। अरे विकी, वो प्लीज लिफ्ट। ओ विकी, वो नीचे दरवाजा कौन खोलेगा? प्लीज थैंक यू। थैंक्स सर, वो एक्चुअली काम बहुत था, यू नो इस वक्त कॉलेज में कोई होता भी नहीं है, इसलिए थैंक गॉड तुम आ गए। वैसे मैं काफी स्ट्रांग हूँ, बट रात को सोई नहीं ना अच्छे से, और ये थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे लिए। तुम भी कुछ बोल सकते हो, तब से मैं ही बोली जा रही हूँ। वैसे मैं लाइब्रेरियन नहीं हुआ, मेरा नाम शिखा है। लो पहुंच गए। थैंक यू। अब विकी, एक और छोटा सा फेवर चाहिए था। मैं ना फटाफट ये बुक्स रख के आती हूँ, फिर हम दोनों कहीं जाके कॉफी पी लेंगे, ओके? एक मिनट। अरे अरे, पर सुनो तो, रुक तो जाओ, कॉफी पे चलते हैं। विकी। Hey guys, कोई अगर किसी को कॉफी के लिए पूछे और सामने वाला बिना रिप्लाई करे चला जाए तो इज दैट रूड? और ये बंदा तो अपना असली नाम भी नहीं यूज करता, कैसे ढूंढू उसे? Forget it, this is impossible. Silent night? Shika, hi. Vicky here. More lift wala assistant. Sorry, I was rude to you. It's okay. Please don't get me wrong. मैं ऐसा ही हूँ. मुझे बहुत awkward लगता है लोगों से बात करना. I understand. May I ask why? मैं अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करता। मैंने सिर्फ सॉरी बोलने के लिए तुमको मैसेज किया था। सो सॉरी, बाय, टेक केयर। ऑफलाइन?
interesting. Guys, guys, I need a huge favor. क्या तुम इसे कोई भी न्यू ईयर के पार्टी के लिए कपल पास अरेंज कर सकते हैं? डूड, कपल का मतलब होता है एक बंदा और एक बंदी. अब बंदी तो है, पर तू जाएगी किसके साथ? विकी. मैं विकी के साथ जाऊंगी. ओह माय गॉड, तेरी उसके साथ चैटिंग हो गई? भाई साहब, उसको चैटिंग वैटिंग करने से फुर्सत मिल जाती है? वो तो वक्त ही बताएगा. वक्त नहीं बताएगा, अभी पता चल जाएगा. बंदा तो गया, अभी भी चाहिए कपल के पास. ओके सॉरी, इट्स फनी, इट्स ओके, लीव इट, दे बॉय. यू नो व्हाट, यू आर वेरी रूड. सुबह एक हेलो तो बोल सकते थे. जरूरी नहीं समझा. राइट, हम फ्रेंड्स नहीं है इसलिए. एग्जैक्टली, एंड दिस इज जस्ट नॉट अबाउट यू शिखा. मेरा रियल वर्ल्ड में कोई दोस्त है ही नहीं, और मैं किसी को फ्रेंड भी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि दोस्ती बनती है ट्रस्ट पे, भरोसे पे, और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता. अरे यार, पर क्यों? मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता. यू आर स्ट्रेंज. स्ट्रेंज, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. से आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे, ना कॉलेज पे ना चैट पे. अरे, लॉक कर दिया. समझता क्या है अपने आप को? Why is he always so rude? प्रॉब्लम क्या है? So irritating. आइडिया. क्यूट प्रिंसेस. अब देख बेटा साइलेंट नाइट, क्यूट प्रिंसेस कैसे तुम्हें लाइन पिलाती है. साइलेंट नाइट. He tried to bury us, didn't know we were seeds. Intelligent, intelligent. Copy. Paste. And it's showtime. Paint. Cute princess? Hi. Do we know each other? नहीं, लेकिन जान जाएंगे. तुम्हारा स्टेटस देखा, काफी इंटेलिजेंट लगते हो. मेरा नहीं है. It's a Mexican proverb. I just copy paste. तो मैंने भी copy paste ही किया. हाँ हाँ. Anyway, silent night. इससे पहले कि हम और बात करें, मुझे देखना होगा कि तुम कितने intelligent हो. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए डेस्परेट हो रहा हूँ? नॉट एट ऑल. वो डो
don't mind, yeah. Tumhara status dekh ke laga ki hum kafi similar hai. So thought we should talk. Am I right? Well, kind of. तो फिर ठीक है. Are you ready? Okay. Shoot. Yes. Question one. ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ नहीं सकती? Trust. Correct. Next. वो कौन सी चीज है जिसकी वर्थ उसे खोने के बाद ही पता चलती है? Love. Not bad, not bad. Next. हम दोस्त क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमें एक दिन धोखा दे सके. ओके. तुम टेस्ट पास कर चुके हो. अब फाइनली तुम मेरी फ्रेंड बन सकते हो. तुम्हारा नाम क्या है? साइलेंट नाइट. एंड योर्स? क्यूट प्रिंसेस स्माइली. Hey, तुम वॉइस चैट करना चाहोगे? ओके. वन मिनट. हाय साइलेंट नाइट. हे क्यूट प्रिंसेस. तो फाइनली तुम मेरे दोस्त बन गए. Excuse me. तुम मेरी दोस्त बनी हो. Anyways, तुम बियर पीते हो? What? हाँ, कभी-कभी. क्यों? एक काम करते हैं. Let's raise a toast to our friendship. इस वक्त बियर है तुम्हारे पास? पड़ी होगी. I don't know. Well, मैं होगी. I think. Very good. एक काम करो, वहां से तुम अपना टोस्ट फेस करो, यहाँ से मैं अपना टोस्ट फेस करती हूँ. हम दोनों एक साथ चीयर्स कहेंगे एंड खटाक ड्रिंक खत्म. व्हाट्स इट? ओके, बट यू हैव टू हैंग ऑन. ओके, आई विल बी बैक. हेलो, रेडी? चीयर्स. वन सेक. Cheers. चलो एक गेम खेलते हैं. चैट पे? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम. बताओ, खेलोगे? ओके, पर करना क्या होगा? स्टोरी बनानी है. स्टोरी? हाँ,
मैं एक लाइन बोलूंगी, उसके बाद वाली लाइन तुम बोलना और उसकी नेक्स्ट लाइन वापस मैं बोलूंगी। ऐसे करते करते एक अच्छी सी स्टोरी बन जाएगी। ओके, स्टार्ट। चलो तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एक बंदा था, बहुत ही हैंडसम, सब लोग उसे मिस्टर कूल कहते थे। लड़कियां कॉलेज में उसके पीछे दीवानी थी, पर वो तो किसी और को चाहता था, सच्चा प्यार करता था। ओके, ये आया स्टोरी में ट्विस्ट। मिस्टर कूल की गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही थी, वो किसी और से प्यार करती थी। हेलो, आगे की लाइन बोलो। क्या हो रही है विक्की? हम लोग इस बारे में आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना? आराम से मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डाल के बैठी हो और मैं आराम से बात कर तू चुप है। तुझे मैंने दोस्त नहीं भाई माना था अपना, and this is what you do, you cheat. तुझे पता है तेरे से बंदे को क्या बोलते हैं? Vicky, don't talk to him like that. अच्छा? क्यों? क्या लगता है तुम्हारा? हाँ? Well, he is my boyfriend. And वैसे भी मैं ये बात तुम्हें बताने ही वाली थी, तुमने खुद ही देख लिया। मैं कौन हूँ? तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड। नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस, लेट्स गो। क्या सुपर ट्विस्ट दिया है तुमने स्टोरी को, इस पे तो हम फिल्म बना सकते हैं। सुपर डुपर हिट। बाय द वे, इट्स योर टर्न। हाँ, माय टर्न। ग्रेट, खुद ही गेम शुरू की और खुद ही रूल्स भूल गई। अब तुम्हारी बारी है। राइट। तो मिस्टर कूल बहुत हर्ट हो चुका था, उसने वो कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज ही नहीं, उसने वो शहर भी छोड़ दिया। दूसरे शहर में जाके रहने लगा, वहाँ एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अकेले रहने लगा। The end. ये the end नहीं, स्टोरी अभी बाकी। शिखा अच्छे से जानती थी कि ये कोई स्टोरी वोरी नहीं है, ये विक्की की खुद की कहानी, उसकी अपनी लाइफ की कहानी। और शायद इसीलिए उसने वो गेम खेलने के लिए विक्की को फोर्स किया। स्मार्ट गर्ल, यू नो। और विक्की भी कहीं ना कहीं ही वाज वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि उसने बहुत समय के बाद अपने दिल की बात किसी के सामने रखी थी। इज फीलिंग लाइटर, इज फीलिंग हैप्पी। और अब हमारा जो साइलेंट नाइट था, उसने बाकी सब लोगों से चैट करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं था। अब उसे सिर्फ एक स्पेशल फ्रेंड का इंतजार होता था ऑनलाइन आने का, और वो थी क्यूट प्रिंसेस। बेचारा यार, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। वो कोई बेचारा नहीं,
He just hurt emotionally. हाँ, तुझे बहुत पता है उसके बारे में. I think you know, you're in love with him. Love का तो पता नहीं Max, but I really want to take care of him. मैं चाहती हूँ कि वो इस डिप्रेशन, इस अकेलेपन से बाहर निकले. You know, बाहर जाए, लोगों से मिले, सोशलाइज करे, खुश रहे. I just want to help him. Honestly speaking, आज तक तुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए इतना सीरियस होते हुए नहीं देखा मैंने. वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है दी, दोस्त है मेरा. I like talking to him. अच्छा. यार तू, मैं कब से वेट कर रहा हूँ. वेट 11:30 का टाइम डिसाइड किया था ना, और इट्स 11:40 बाबा. रिलैक्स, इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम. क्या इंटरनेट का प्रॉब्लम बाबा? एक बार बात हुई थी तो हाउ कैन यू गिव मी सम सच रीजंस यार. ओके कम डाउन, लिसन. मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे यार. एक बार टाइम दिया तो टाइम दिया ना, यू शुड हैव बीन देयर. वीडियो चैट करें. वीडियो कॉल? हां. But, क्यों नहा रहे हो क्या? नहीं, मैं नहीं नहा रहा हूँ यार, बट वीडियो कॉल इज जस्ट ओके लेट्स डू दिस. हाँ, व्हाट? हाँ, एक मिनट. व्हाट मान, क्या क्या करूँ, क्या करूँ? उसे अपनी शक्ल थोड़ी दिखा सकते. Think. Okay. Are डेट पे चलते हैं. क्या डेट? वर्चुअल डेट. वर्चुअल डेट? या सी, हम दोनों अलग अलग कैफे जाएंगे सेम ही टाइम पे. तुम डार्क कैफे जा रहा और मैं वाटर कैफे जाऊंगी. हम दोनों एक साथ कॉफी मंगाएंगे और एक ही टाइम पे पिएंगे और रिज्यूम करेंगे जैसे कि हम साथ हैं, यू नो. व्हाट से चलते ना, बहुत मजा आएगा. अरे पर टुमारो. बट मुझे नहीं लगता मैं इस वर्चुअल डेट के लिए रेडी हूँ. लिसन, तुम्हें नहीं जाना है, मत जाओ. मैं तो जाऊँ. ओके, चलो बाय, बहुत हो गया. हे क्यूट प्रिंसेस. लो
क्यों अपनी 3G की बैंड बजा रहे हो? I have a phone, you know. Call me. नहीं नहीं, इतनी जल्दी नंबर्स एक्सचेंज करना ठीक नहीं है. हाँ हाँ, क्योंकि ये जालिम दुनिया जो मोहब्बत की दुश्मन है क्या कहेगी, है ना? पट्टू हो तो. अच्छा सुनो ना, मैं पहुंच गया. कहाँ? अरे जहाँ डिसाइड किया था वहाँ, कॉफी प्लेस. Should we order coffee now? Cute princess के होते हुए साइलेंट नाइट खुद अपनी कॉफी ऑर्डर देने की जहमत करे? Not possible. Waiter? Thank you. मुझे लगता है कि तुम कहीं आसपास हो यार. And you can see me. ए, तुम मुझे बुद्धू तो नहीं बना रही ना? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कभी भी तुम्हारा भरोसा तोड़ूंगी? No, I don't think so. तो फिर चिल ना, अपना कॉफी एंजॉय करो, ओके? वैसे थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग डेट. वर्चुअल डेट, पर अगर तुम चाहो तो हम रियल डेट पे भी जा सकते हैं, यू नो. अरे नहीं नहीं, मैं इतने में ही खुश हूँ. तुम खुश हो पर मैं नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये रियल डेट होती तो 5 मिनट लेट आने की वजह से मैं तुम्हारा कान मरोड़ सकती. शिया, आई मिस दैट गोल्डन चांस. ओह नो, आई जस्ट कॉल यू बैक. हाय विकी, हाउ यू डूइंग? अरे क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऑल ओके? वेटिंग फॉर समवन? नो नो. अरे मुझे ही कॉल कर लेते तुम्हारे साथ, मैं आ जाती कॉफी पीने. एक एडवाइस दूं, एंड दिस रिलेशनशिप. What relationship? With the internet. See you around. Hey, listen. एक बात पूछूं क्या? बुरा तो नहीं मानेगी ना? मान भी सकती हूँ. बता ना. बोल ना. अरे वो देखो, याद है तूने मुझसे न्यू ईयर्स ईव के कपल पासेस के बारे में बात करी थी? दिस अनदर फ्रेंड ऑफ माइन नीडेड इट. नो नो नो, अभी भी मुझे वो पास चाहिए, विकी और मेरे लिए. सो यू एंड विकी? नॉट बैड, नॉट बैड यार. तो कहाँ तक पहुंची तुम्हारी गाड़ी? वेल, गाड़ी तो चल रही है, होपफुली कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी. And you know what, Priyanka? What? I think I'm in love. Aww. And wo bhi. Wow. But you know what? In this case, you will have to take charge. I know. Main usse bataungi. Par cute princess banke nahi. Shikha banke. That's my girl. Finally, it was the realization time. Shikha को realize हो चुका था कि वो विकी से प्यार करती है और विकी भी शिखा से प्यार करती है. The problem was इन दोनों की hidden identities का राज, एक ऐसा राज जो शायद इन दोनों को एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकता था. Hey, cute princess, पता है शिखा मुझसे आज क्या बोली? तुम्हें इंटरनेट से अपनी रिलेशनशिप तोड़नी पड़ेगी. पर वो गलत नहीं. As in you do have a relationship with the internet. Yeah, I do and I like it. But कब तक जियोगे तुम ऐसे? कभी ना कभी तो
तुम्हें सबसे बाहर निकलना ही होगा ना। नहीं आखिरी प्रिंसेस, बाहर की दुनिया पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। You know, people hurt you. तो क्या इंटरनेट पे लोग हर्ट नहीं करते? Come on, let's get real. कब तक रहोगे ऐसे? कब तक इस मास्क के पीछे छुपे रहोगे तुम? पर मास्क तो तुमने भी पहना है ना? पर मैं ये मास्क उतार सकती हूँ। I have the guts. I have the guts, Vicky. Cheated me? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। Shouldn't have done this, यार। You broke my trust. शिखा, do you hear that? तुमने मेरा trust तोड़ा है, शिखा। तो और क्या करती मैं? Damn! और कौन सा रास्ता था मेरे पास? मुझे तुम्हें इस इंटरनेट की रिलेशनशिप से बाहर निकालना था। कब तक जियोगे तुम ऐसे इस वर्चुअल दुनिया में? Let me be honest with you. जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब तो मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट थे, just a project. धीरे-धीरे I fell in love with you. और यही सच है। अरे पर मैंने तुम्हें भरोसा किया ना, और तुमने वो भरोसा तोड़ दिया। Why? ये सब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। अगर मास्क के पीछे से देखोगे तो ये सब एक धोखा लगेगा। मास्क उतार के देखोगे तो प्यार दिखेगा। कल एपीसी क्लब में न्यू ईयर्स पार्टी, मैंने सोचा था कि हम दोनों वहां साथ जाएंगे। नए साल की नई शुरुआत एक साथ करेंगे। मैं तुम्हारा वहां वेट करूंगी विकी। हो सके तो आ जाना प्लीज। This relationship. What relationship? Thank you.
I love you, Vicky. I love you too, cute princess. I love you too, Shikha. You know guys, एक नया साल, a new year, बहुत सारी नई शुरुआत लेकर आता है, एक नई जिंदगी की, सबके लिए, जिस तरह से शिखा और विकी के लिए लेकर आया, उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई इस नए साल के साथ, अब उनकी शुरुआत तो हो गई, now it's time for you guys, you know, forget and forgive, be happy and make everybody else happy, क्योंकि it's the new year, so मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते, or rather अगले साल, with many other ample amount of beautiful love stories, तब तक के लिए, a very very happy 2015. See you next year.